घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त विकास प्रताप सिंह उर्फ विक्की को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई हेड ऑफिस से पुलिस को आया था अलर्ट की सूचना, भेजा जेल। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। जिले के 74 गांव हुए डेंगू से प्रभावित। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, पंचायती राज विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे हैं काम। गांव में 3054 सफाई कर्मियों के साथ किराए के मजदूरों से भी चूना पाउडर तथा एंटी लार्वा का कराया जा रहा है छिड़काव। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अनजान नंबर से आए कॉल को ना दे कोई जानकारी व ना बताएं ओटीपी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय बरते सावधानी। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। कहां जीवन है अनमोल, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करने की है जरूरत। महानगर को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम लगातार कर रही है फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा पार्षदों से उनके वार्डों में बंटवाई जा रही है क्लोरीन की दवाइयां। और स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की आठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। उनके पुत्र व विधान परिषद सदस्य सीपी चंद सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प।